भाई बोर्ड्स आ गए हैं और बोर्ड्स ने दरवाजा खटखटा दिया है, बस एक महीना दो महीने और रह गए हैं आप लोगों के बोर्ड्स को आने में। तो भाई बोर्ड्स के आते ही कक्षा बारहवीं के बच्चों में एक कंफ्यूजन दौड़ने लग जाता है। वो कंफ्यूजन है कि सर कौन सा पेन इस्तेमाल करें, कैसा पेन इस्तेमाल करें, कितना महंगा पेन इस्तेमाल करें, क्या सस्ते पेन से भी बोर्ड्स किया जा सकता है, क्या दो कलर का इस्तेमाल करें या पांच कलर के पेन इस्तेमाल करें। तो भैया पेनों के इस्तेमाल को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में है, तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं और बताते हैं कि पेन के इस्तेमाल करने से क्या आपकी परसेंटेज आगे बढ़ सकती है। जो परसेंटेज 85 आनी चाहिए थी, क्या वो 95 आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं पेनों की कहानी। तो भाई पेन सबसे पहले तो आपके बहुत सारे तरीके के आएंगे, आप लोगों को पता होगा कि 2 रुपए वाला पेन भी आता है और 2000 वाला पेन भी आता है। तो भाई पेन किस तरीके से आपके बोर्ड में मदद करते हैं, सबसे पहली चीज याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन आखिरी इंप्रेशन होता है। आपकी कॉपी को देखकर एग्जामिनर अंदाजा लगा लेगा कि भाई कितने पानी में है और कितने अच्छे मार्क्स इसके आ सकते हैं। तो भाई वो इंप्रेशन सुधारने का काम सबसे ज्यादा करता है आपके पेन। पेन के कलर्स कौन से होने चाहिए, भाई पेन्स दो ही कलर के आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, एक है ब्लू एक है ब्लैक, ना ही रेड ना ही ग्रीन ना ही पिंक। इस बात पर ज्यादातर तो लड़कियां गौर करें कि पिंक पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही हरा ना ही पीला ना ही लाल, सिर्फ दो तरीके के पेन आपको इस्तेमाल करने हैं, एक है नीला और एक है काला, सिर्फ ये दो पेन इस्तेमाल करते हैं। सर बॉल पेन हो या जेल पेन, बॉल पेन हो या जेल पेन या पार्कर हो या इंक पेन हो, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उन पेनों को इस्तेमाल करने से पहले कुछ मेरी बातें जरूर सुनना, उसके बाद डिसाइड करना कि भाई कौन सा पेन आपको इस्तेमाल करना है। तो भाई सबसे पहली चीज जो यहां बताने की है वो ये है कि आप जो भी पेन इस्तेमाल करें वो हैवी नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका पेन हैवी नहीं होना चाहिए, यानी कि पेन आपका लाइट होना चाहिए जो कि आपको बहुत इजीली और बहुत स्मूथली आप उसका यूज करें। यानी कि देखो दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, एक लोग एक दो तरीके के मनुष्य पाए जाते हैं दुनिया में। पहले तरीके के मनुष्य जो कि ढक्कन लगा के पेन का इस्तेमाल करते हैं, क्या लगा के, ढक्कन लगा के पेन का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे तरीके के मनुष्य होते हैं जो बिना ढक्कन लगाए पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई आज यहां बताता हूं कि अगर आपको थोड़ा सा एक छोटी सी ट्रिक है या छोटा सा हैक है कि अगर आपको जल्दी लिखना है तो आप ढक्कन हटा के, यानी कि ढक्कन लगाया हुआ पेन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि वो पेन को बना देता है हैवी, और जिसकी वजह से आप दो की जगह डेढ़ लाइन ही लिख पाते हैं। आप बोलोगे सर चार शब्दों में क्या जाता है, भाई ये दो लाइन आपको पेपर में नहीं लिखनी है, 50 पेज 25 पेज लिखने हैं, तो वहां आपकी जो राइटिंग है वो बहुत मैटर करती है। सेकेंड है कि आपको जो पेन इस्तेमाल करना है वो डार्क इंक का पेन होना चाहिए, यानी कि आप जब पेन, दो तरीके के देखो पेन होते हैं, एक होते हैं जिनको यूं करके देखना पड़ता है और एक होते हैं जिनको यूं करके देखना पड़ता है। दो तरीके के होते हैं, इनको जिनको आंखों के पास लेके, दूसरा जिनको आंखों से दूर लेके। आपको ऐसे पेन का इस्तेमाल करना है जो अलग से विजिबल हो जाए, ठीक है। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, लोगों का कंफ्यूजन इस चीज से है कि सर ब्लैक और ब्लू का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको कितना फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करें। तो भाई ब्लैक और ब्लू को चितकबरे की तरह इस्तेमाल नहीं करना है। कैसे, ब्लैक और ब्लू को चितकबरे की तरह इस्तेमाल नहीं करना। आप लोगों ने जो आता ना इम्प्रोवाइजेशन जो कराते हैं, अपनी गाड़ी को कस्टमाइज कराते हैं, ऐसे कुछ मनुष्य भी होते हैं जो पूरा उस पर ब्लैक एंड व्हाइट शतरंज खेलने लग जाते हैं। एक काला धब्बा एक सफेद धब्बा, एक काला धब्बा एक सफेद धब्बा। थोड़े दिन पहले मैंने देखी थी, एक मस्त सी एक्टिवा थी, दूर से मेरी नजरों में आ गई, वो इतनी प्यारी थी, उस बेचारे ने बस उसमें राजा रानी घोड़ा लगाना बाकी था, बाकी पूरा शतरंज बना रखा था। तो भाई आपको अपनी कॉपी शतरंज नहीं करनी है, आप बस ब्लैक पेन से आंसर लिखिए, आंसर मतलब ANS, आंसर नंबर 4, और बाकी उसको ब्लू रहने दीजिए। डोंट यूज पेन या डोंट चेंज पेन फ्रीक्वेंटली। अगर आप फ्रीक्वेंटली पेन चेंज करेंगे तो दो गलतियां होंगी। गलती नंबर 1, आप पेन चेंज करने में ही रह जाएंगे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। दूसरा, स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो भाई पेन का हमेशा इस्तेमाल ढक्कन हटा के करें, सबका ढक्कन हटना चाहिए, पेन का भी ढक्कन हटना चाहिए, ठीक है। दो कलर के पेन का इस्तेमाल करें, एक नीला और एक काला, इसके अलावा कोई सा नहीं आला, ठीक है, कोई सा तीसरा कलर नहीं आना। और अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है कि सर
हम पार्कर का ही इस्तेमाल करेंगे तो नंबर मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। दो रुपए ढाई रुपए का भी ऐसा पेन आता है जिसको यूज करने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम कौन सा पेन इस्तेमाल करें, तो भाई पेन कौन सा इस्तेमाल करना है अगर आज का आपको जानना है कि आपके लिए कौन सा पेन बढ़िया है, तो सिर्फ एक काम कीजिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए, अपना पेंसिल बॉक्स खोलिए, उसको खोल के जब आप देखेंगे तो आपको एक प्यारा सा पेन मिलेगा जो आपको तब पसंद आता है जब आपको लिखने की बहुत इच्छा होती है, तो वो वाला पेन आपका सबसे बेहतरीन पेन है। यानी कि हम गलती क्या करते हैं, हम पूरे साल ढाई रुपए वाले पेन का इस्तेमाल करते हैं, हम पेपर लिखने के लिए 50 रुपए वाले पेन लेने चले जाते हैं, पूरे साल ढाई रुपए वाले बॉल पेन का इस्तेमाल किया और जब पेपर की बारी आई पापा पार्कर, अब वो ठीक है पार्कर कौन देखने वाला भाई, कौन आ रहा है, ना तेरे आगे वाले को चिंता तू कौन से पेन से कर रहा है, ना इधर वाले देख रही कौन सा पेन इस्तेमाल हो रहा है, ना पीछे वाला देख रहा तुझे क्या लेना देना। अब वो पार्कर के चक्कर में बंदा क्या करता है, मार्कर छोड़ मतलब अपना जो काम है वो बिगाड़ देता है। आप वो पेन इस्तेमाल कीजिए जिस पर आपका हाथ सेट है। ध्यान रखिए पेन बिल्कुल लाइट वेट होना चाहिए तभी आपके काम आएगा। एक चीज हमेशा याद रखें, पेन कितना सस्ता है या कितना महंगा है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 2 रुपए का पेन भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत सही होगा। ध्यान रखिए पेन जो है ना वो छोटी सी गलती कर देते हैं हम लोग, कुछ पेन ऐसे आते हैं जो पेपर फाड़ पेन होते हैं, कौन सा पेपर फाड़ पेन, पेपर फाड़ पेन का मतलब उनकी निब इतनी पतली होती है, इतनी पतली होती है कि अगर उनकी निब निकाल के पीछे छेद कर दो तो सुई धागे का काम वो लोग कर रहे हैं। तो भाई वो पेन आप इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक तो वो चलते बहुत हल्के हैं, इतने हल्के चलते हैं कि भाई टीचर को यूं लाइट मार के देखना पड़ता है अच्छा ये लिखा है, ठीक है, और उनका कलर बड़ा आसान होता है, वो बिल्कुल आसमानी कलर से चलते हैं, ठीक है, बिना बादल के जैसे आसमान होता है उसी कलर में ये पेन चलते हैं। तो ऐसे पेनों का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें। आप थोड़ा सा मोटा पेन लें, ऐसा भी नहीं कि अभी एक मोटा पेन ले लिया एक लाइन पूरी भर गई, ठीक है, कुछ हो नहीं हो माइक्रोसॉफ्ट का बोल्ड लेटर चिपका दिए लाके, वो इतना भारी पेन नहीं, नॉर्मल पेन लें जो कि थोड़ा दिखने में भी स्मूथ लगे। और सबसे गंदी बात या सबसे अच्छी बात या सबसे बड़ा जो मिथ है ना आप लोगों का, क्या हैंड राइटिंग, इट्स नॉट अबाउट हैंड राइटिंग, इट्स अबाउट योर प्रेजेंटेशन। आप कितना अच्छे से प्रेजेंट करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी अपनी अच्छी हैंड राइटिंग है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो पेंसिल का इस्तेमाल करें, ये छोटी सी मैं बता देता हूं, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर डायग्राम में पेंसिल का इस्तेमाल करें या सिर्फ पेन का इस्तेमाल करें, क्या करते हैं वो लोग बड़े समझदार होते हैं पीछे घुमा के जो है ना वो इंस्ट्रक्शन कार्ड पढ़ने लग जाते हैं, भैया वो सिर्फ देखने का होता है, जैसे अपन कोई वेबसाइट खोलते हैं ना आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, उसको कौन पढ़ता है, ये वही व्यक्ति है जो वो एडमिट कार्ड के पीछे का पढ़ेंगे, आपको वो नहीं पढ़ना, आप सिर्फ ओके कर दो आपको समझ में हाँ ठीक है भाई, ठीक है, क्योंकि छोटी मोटी चीजें हैं ये मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो पेंसिल का इस्तेमाल करें अगर आप डायग्राम बना रहे हैं जस्ट बिकॉज थोड़ा सा क्लियर कट दिखेगा, वरना क्या होता है कि हम पेन से बना देते हैं फिर अब वो अगर डायग्राम सही बन गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो बेचारा गलत बन जाएगा तो उसको छुपाना बड़ा मुश्किल होता है। बंदा क्या करता है पहले वो दिमाग लगाएगा कि सर कैसे छुपाऊं उसको, मैं बड़ा सा क्रॉस लगाऊं या टाइम मशीन बनाऊं उसके इर्द गिर्द, जो क्रॉस लगा के चार तरफ गोला बनाता है वो, ठीक है, या फिर मैं छोटा सा क्रॉस लगाऊं। अब छोटे से क्रॉस में दिक्कत ये है कि भैया इको का डायग्राम है क्रॉस को उसने डिमांड सप्लाई समझ लिया तो मैं तो वैसे ही खो गया। तो भाई इस चीज का ध्यान रखिए, पेंसिल का अगर आप इस्तेमाल करोगे ना पहले डायग्राम हल्की पेंसिल से बनाओ, ठीक है, हम क्या करते हैं ये उठाया स्केल ये उठाई पेंसिल, इतना डार्क चलाएंगे हमको, क्या बचपन में सिखाया ना वो कौन सी HP 26 ऐसे करके वो पेंसिल आती, ठीक है, मैं ठीक है अब हो गई हाँ एप्पल की पेंसिल मत लेके जाना, हाँ जी, तो वो पेंसिल आती तो पहले उसको थोड़ा सा लाइट चलाओ, ऐसा भी नहीं एक बार गाढ़ा गाढ़ा चला दो बस पीछे वाले 3 पन्नों तक इंप्रेशन रहता है कि भाई सर मैंने क्वेश्चन किया है, टीचर को क्या बताते कि भाई 3 पन्नों तक कि मैंने ये डायग्राम वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो भाई ऐसा थोड़ा सा ना करें, ठीक है, पेंसिल का इस्तेमाल डायग्राम में कर ले, ठीक है, सब कुछ लेके जाओ, देखो सब अपने पर बोर्ड के समय सब पराए हो जाते हैं, ना आगे वाला सुनता है ना पीछे वाला सुनता है, तब भी सोचते यार ये तो मेरा पक्का दोस्त था, पर भाई पूछ नहीं रहा हूं पेंसिल माउस सीर, क्या होता है स्कूल में तो हम सोचते कि भाई पेंसिल के बहाने पूछ ले, अब बोर्ड के एग्जाम में लिटरली पेंसिल मार रहा तब भी सामने वाले देखता वाला खुद मरेगा मेरे को ही मरवाएगा। तो भाई अपना बॉक्स कंप्लीट रखें। हाँ एक चीज और ध्यान से सुनना भाई इस चीज को, क्या है एक छोटी सी चीज ध्यान रखो, आप जिस भी पेन का इस्तेमाल करें मेरे हिसाब से तो सस्ता सुंदर टिकाऊ पेन लो जो कि थोड़ा सा मोटा चले, ठीक है, बोल्ड वाला नहीं इतना मोटा नहीं, वो थोड़ा सा मोटा चले, ठीक है, लंबा चले, 2-2.5 रुपए वाला पेन आता है मैं वही इस्तेमाल करता हूं, मैंने एक बोर्ड में वही इस्तेमाल करा था, शुरू में शौक चढ़ा था मेरे को कि तब 15 रुपए वाला बड़ा मैं पता नहीं कौन सा पेन था मेरे को नाम याद नहीं है, ठीक है, वो मैं लेके गया 3 पेन खरीदे थे मैंने,
मैं लेके गया, चलो अब इससे लिखेंगे। दो तीन पेन सेफ साइड के लिए ढाई रुपए ले लिए थे मैंने, उससे लिखा मजे बड़े आए मेरे को लिखने में। यूं ऐसा चल रहा था जैसे बटर की तरह फिसल रहा, पर उससे चार लाइनें लिखी और पीछे वाला पेज बोला भाई मेरे पास भी आ गए थे आंसर। पीछे वाला पेज भी बोला कि सर हाय मेरे पास मैं समझ में आ गया आपने आंसर लिखा है। ठीक है, फिर मैंने कहा चल ठीक है यार, आगे वाला तो पीछे को दिखा रहा है कि क्या क्या आंसर लिखा है, जब पीछे वाले पे लिखूंगा तो वो क्या करेगा, वो भी आगे वाले पे दिखाएगा, तो वो पेन जो आपका पेपर यू सीधा होता है ना वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है आगे से भी पीछे से भी, उसके दांत निकल आते सब तरफ से। तो भाई ऐसे पेन का इस्तेमाल ना करें, छोटा पेन इस्तेमाल करें आप, यानी कि दो ढाई रुपए वाला, थोड़ा सा मोटा चले, ज्यादा मोटा करने से क्या होता है वो इंप्रेशन छोड़ जाता है पीछे का। इंप्रेशन छोड़ना अच्छी बात है पर पेपर में नहीं होता, ठीक है ना। हमारे यहाँ क्लासमेट के पेपर नहीं आते हैं, पतले वाले आते हैं, ठीक है, अखबार से दो स्लाइड ऊपर वाले पेपर आते हैं, तो भाई उसका थोड़ा सा अपन ध्यान रखें, ठीक है। और एक चीज और, जो भी पेन आप इस्तेमाल करें, ठीक है, दो रुपए वाला, पांच रुपए वाला, दस रुपए वाला, पचास रुपए वाला, सौ रुपए वाला, और कोई होता है ना पान, वो पेन भी ऐसे देते भाई इतने बड़े डब्बे में रख के। उस दिन मैं किसी ने गिफ्ट दिया था मैं तो, वो पेन इतना बड़ा डब्बा, मैं सोचा अंदर पता नहीं सेंट की बोतल होगी क्या होगा, जब वो खोल के देखा तो उसमें लड़े निकली, इतना बड़ा कुछ निकला, जब मैंने उसको खोला तो रुई निकली, रुई हटाई तो एक यूं स्लाइड निकली, मैंने पीछे से बोला था, फिर मैंने उसको यूं मोड़ा, उसके अंदर इतना पतला पेन था। अब वो पेन कहां इस्तेमाल, वो अच्छे पेन होते हैं, वो दिखाने वाले पेन होते हैं, मैं तो ये दो रुपए वाले लगाता हूँ, ठीक है, वो दिखाने वाले होते हैं, तो बंदा यहां रखता है, यस आई एम सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, वो ये वाले पेन होते हैं भैया, उनका इस्तेमाल ना करो, ठीक है। वो चलने में बड़े मजे देते हैं चलने में, पर वो होता ना वो जैसे आपने एड देखा होगा, ठीक है, कौन सा एड था, हाँ वो अपना नाम बताता है वेंटा जो भी है, वो पूरा बोले कि इतना स्मूथ पेन चला कि बोले मैंने पूरा लिख दिया, अच्छी बात है, ठीक है, वो पेन चलाना अच्छी बात है, वो राइटिंग ज्यादा भारी नहीं थी उसकी, बट होता है कुछ ऐसे पेन होते हैं जो कि सिर्फ दिखने में अच्छे होते हैं, चलने में भी अच्छे होते हैं, बट ऑल्दो आपके लिए सही है या नहीं वो डिपेंड करता है। आप हो सकता है दो रुपए वाले पेन से बहुत अच्छा लिखें, कोई भी पेन खरीदो मेक श्योर कि उसके तीन से चार पीस जरूर खरीदो, ऐसा खरीदो कि वो पूरे बोर्ड आपके चले। और एक बोर्ड में हम क्या करते हैं, एक छोटी सी गलती मत करना, दस पेन मत खरीदना, हम क्या होते हैं वैसे पूरी बारी में एक पेन खत्म नहीं हुआ पर हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं अंदर से कि भाई बोर्ड के पांच पेपर है तो पांच पेन खरीद लेंगे, जैसे यही हो रहा है पूरा पूरी खत्म करके आएंगे एक ही पेपर में, ठीक है, अच्छी बात है, चलो खरीद लो यार, कोई दिक्कत नहीं, दो रुपए में कोई फर्क नहीं जाता। तो तीन चार पेन अपन खरीद के रखें उस चीज का, क्योंकि हम सब राइटर बन जाते हैं बोर्ड के टाइम पे, तीन चार पेन एक ही तरीके के यूज करें और उसी से आदत बिठाएं। मैंने अभी कहा आपको पता करना है कि आपका पेन कौन सा है, तो बॉक्स खोलो या अगर आप किताब खोल के बैठो तो अपनी किताब के ऊपर देखो एक पेन रखा होगा, वही पेन आपका है, क्योंकि उसको आपको लिखने की भी आदत है, उससे आपके हाथ भी नहीं टूटते ना कुछ भी होता। बस एक चीज याद रखें, पेन के ऊपर ढक्कन ना लगाएं, ढक्कन लगाने से क्या पेन भारी हो जाता है, भारी रखने से आपका हाथ भारी होगा, जब हाथ भारी होगा तो पेपर भारी होगा, ठीक है। और एक छोटी सी चीज और, बोर्ड में कृपया करके मेरी सलाह माने तो उस पेन का इस्तेमाल ना करें जो बेचारा छाप छोड़ता है। छाप छोड़ने का मतलब क्या, कुछ ऐसे पेन होते हैं जिनको हम यूं लिखते हैं ना, यूं उनसे लिखते जाते तो हमारा जो ये वाला पोर्शन होता है ना हाथ का, ये इंप्रेशन लेता रहता है साथ साथ, यानी कि ये पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा नीला पड़ जाएगा, वो पेन का आप इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। वो क्या होता है, वो खुद तो नीला पड़ता है बेचारा पर साथ में आपकी कॉपी भी ले डूबता है, फिर हम सोच रहे थे कि सर यूं करके हम यूं लिखते जा रहे हैं, बेचारा हमारे हिसाब से यहाँ की हैंडराइटिंग ठीक है, पीछे की नहीं देख पाते हम, जब पीछे की हाथ हटाते तब दिखता है वाह आगे तो शेक्सपियर आ गया, पीछे रंगोली आ गई, ठीक है। तो वो रंगोली वाला काम थोड़ा सा ना करें आप, पेन इंक पेन का इस्तेमाल, हाँ इंक पेन कहता हूं उसको, ठीक है, इंक कहता हूं और भी कुछ तरीके का आता है उसका इस्तेमाल ना करें। ध्यान रखें छेद करने वाला, जो पेपर में छेद करे ना वो वाला पेन इस्तेमाल ना करें, दो रुपए वाला हुआ और एक और आता है आई डोंट नो कौन सा आता है, लोगों को आदत पहले थी आदत, अब तो शायद नहीं यूज करते हो, शायद व्हाइट कलर समथिंग कोई पेन आता है जो बहुत पतला होता है और उसकी राइटिंग भी या उसके जो लिखावट है वो भी काफी हल्की होती है, तो उसका भी इस्तेमाल थोड़ा सा बोर्ड में ना करें। ऑल्दो गुड पेन है, आप कॉपी में इस्तेमाल करो अच्छा रहेगा, बट बोर्ड में उसका इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना। तो भाई ये चीज का आप छोटा सा ध्यान रखें, तो बस इतना ही था, इतना ही चीज आपको समझानी थी, पेन के बारे में बात बता दी मैंने, पेन को उसका इस्तेमाल करें, बस इतना सुनना, नीला और काला बस, न पीला न लाल न पिंक, ये जो ये अलग अलग कलर है ना इनमें से एक भी कलर इस्तेमाल ना करना, ठीक है। और एक चीज और, जो पेन इस ढक्कन के कलर का चले अगर दिख रहा हो उसको दूर रखना बिल्कुल, इससे थोड़ा सा भारी होना चाहिए, आसमान फाड़ने वाला पेन अपने को इस्तेमाल नहीं करना है,
ठीक है। तो बस गाइस यही आप लोगों को बताना था, और मेक श्योर कुछ छोटी सी चीज आपको और बता दूं कि भाई रिवीजन सीरीज आप लोगों की बड़ी जल्दी आ रही है, उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। रिवीजन सीरीज अगले हफ्ते आप लोगों की प्रोबेबली रिलीज हो जाएगी, उसके लिए काफी काम चल रहा है। एंड मेक श्योर बोर्ड की तैयारी कैसे करनी है और कुछ टिप्स जो आपकी रह जाती हैं वो टिप्स भी आपको जल्दी बताई जाएंगी। आज के लिए इतना ही, आपसे कल फिर मिलेंगे। मेक श्योर टू रिमेम्बर दीज पर्टिकुलर टिप्स इफ यू वॉन्ट टू स्कोर गुड। पेन वो ही अच्छा है जो आपको सूट करे, वो नहीं जो सूट में सूट करे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना, आपसे कल फिर मिलेंगे। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स एंड टिप्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।